तो गाइस नक्श के पापा का है बड़े जो 1 2 3 4 5 6 वाह भैया काटो काटो हाथ कर रहे काटो चलो भाई बेला जा बेला पति को क्यों काट रहे हो पति को काटने के लिए तो मैं हूँ रुक जाओ ना तुम साइड से कटो ओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर कलेश हैप्पी बर्थडे कलेश लिखवाना था तो गाइस रात के बज गए हैं 12:15 और हमारा और बर्थडे सेलिब्रेशन ठंड हो गई है ये देखो जो मेरी जान है ना मेरी बेटी मेरा प्यालो मेरा लाडो मेरा लक्की चैम इसे देखो और ये मेरे ना जिंदगी के लक्की है मेरे लिए और मेरी जान है आई लव यू हम तो वो है देखो नाइस अब चटो अभी नहीं रहे बेला बेला गाओ नहीं ले मेरा चाटो अभी मैं खिलाऊंगा रुक जा हां साथ में मेरे मुंह पे लग गया और ये मेरी जिंदगी का खर्च खर्ची ली खर्चा करवा दिया ये दिन सुधार दिया मैंने बिफोर और आफ्टर बहुत अंतर है जमीन आसमान का और ये माय लाइफ माय पार्टनर कितनी लाइफ है मेरी भाई जो है ना माय लाइफ पार्टनर और मेरी जिंदगी और सब कुछ आई लव यू मैं सोच रही हूं कैमरे में बोल रहा तो गाइस हमारा हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन ये रात का सेलिब्रेशन है तमीज में खा लो और नाइस केक है चॉको ट्रफल बुझा दिया पति फोटो तो लेने दे दे ले लिया बादलों में है ना अरे बादलों बन रहा चलो गाइस हम फोटोज वोटोज क्लिक कर लें आज है 31 दिसंबर कब पैदा हुए थे रात को पैदा हुए थे 30 तारीख की रात को 30 की रात को हुआ था नहीं 31 30 की रात को हुए थे 12 बजे के बाद तो ये अपना बर्थडे उसी टाइम से 31 को मनाते हुए तो 30 की बात तो रात को 12 बजे के बाद 31 ही लग गई ऑब्वियसली 12 बजे के बाद ही थोड़ा और तो गाइस मैंने रुक जाता तो नए साल भी आ जाता मैंने ये लिख और देखो पता नहीं जा यार फोटो तो खींच दे और गाइस 31 को मेरा बर्थडे होता है और 1 को मेरे पापा का बर्थडे होता है दोनों एक साथ आए एक दिन का फर्क था मैं पापा की मम्मी सलाम मिला के आया सलाम मिला के भाई मम्मी आया तो पहले पता नहीं था ना एक दिन बढ़ जाता मैं पापा वाले दिन ही होया था अपने अपने पापा ने फिर दोनों के सेम पापा के ट्यूनिंग थोड़ी एक दो दिन आगे पीछे हो गई पापा ने बोला सैंपल आने जी मेरी डेट पे आज से कर इसलिए मैं अपने बाप का बेटा हूँ पापा मतलब 1 साल आप पापा से छोटे हो बाबा से एक दिन छोटे हैं बाबा से एक दिन बाबा से एक दिन छोटा है बाबा अब देख ले तो गाइस मेरा बाबा मतलब कितने के थे 66 और ये है 65 रख दो एक साल नहीं बोला एक दिन बोला है और रुक जाओ बेला बैठी है बेला बैठे पकड़ नहीं सकता इसको उसे छोड़ दे उसे हाथ मत लगा मार दो किसे मार दे उसके लिए कुछ मत कहियो मेरे को मार दो ना मेरे चलो गाइस मैं जरा फोटो ले लूँ इस केक की हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है आज 12 बजे और वो भी कैसे हुई है बताऊं क्योंकि नक्श की छुट्टी पड़ गई है तो कैमरा सुबह का उठ गया है मेंटली तो मैं 10 बजे उठ गई हूँ पर फिजिकली 12 बजे के बाद पैर रखा है वो भी मन नहीं कर रहा अभी उठने का पर उठना पड़ेगा काम पड़ा है पूरा उठ जाओ रुक जाओ दूध भी दूंगी खाना भी दूंगी सब दूंगी दूध दे दो बस चले तो मैं ही लगा दूं मुंह में पाइप दूध दे दो दूध दे दो तो गाइस नक्श की पड़ चुकी हैं छुट्टियां
और अभी तो एक हफ्ते के लिए पड़ी है, अगर ठंड बढ़ती है तो 10 दिन की पड़ जाएंगी, और बहुत ठंड पड़ती है तो 15 भी हो जाएगी। मैं तो कहूँ बहुत ठंड पड़े भाई साहब, नक्श को तो क्या आलस आता होगा जो मुझे आता है सुबह उठने में। तो गाइस आज है नक्श के पापा का बर्थडे और न्यू ईयर ईव, संग के संग न्यू ईयर ईव है, हमारा नया साल यही एंड हो जाए, नया साल आने वाला है और पुराना साल यही एंड हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, होगा तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं होगा तो मैं आपको अपने बेड पे दिखूंगी रजाई के अंदर। ठीक है, हमारा क्या ही होगा और क्यों ही होगा, अगर होगा तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस चलो चाय पानी बनाते हैं और अपने डे को कंटिन्यू करते हैं, कोई सीन बना तो आपको पार्टी दिखाते हैं। ठीक है, चलो गाइस स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मेरा काम वाम डन हो चुका है, गाइस आज संडे था, कोई भी मेरी मदद करने काम के लिए नहीं आया, मैंने सब कुछ करा, झाड़ू पोछा बर्तन, बस खाना नहीं बना भी, क्योंकि अभी का सीन ये है कि जैसे ही मैं खाना बनाने जा रही थी मेरे पे कॉल आया ऑफिस से कि भाभी हम भाई का बर्थडे बनाने वाले हैं और हमने करा रखे डेकोरेशंस, आप आ जाओ केक कटवाते हैं भाई का, भाई को नहीं पता कि आप भी आओगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस पे और मैं समझाना मेरा लड्डू और मेरी बेला। ठीक है, और अगले महीने गाइस मेरा बर्थडे, मैं नहा नहीं रही हूँ अभी, बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा ठंड। ठीक है, शाम की शाम को देखूंगी, अभी फिलहाल के लिए मैं ड्राई क्लीन हो रही हूँ, हल्का सा टच लूंगी और चलते हैं, कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि ये कपड़े मैंने रात ही पहने हैं। रात का बर्थडे सेलिब्रेशन आपने देख लिया है इस क्लिप पीछे क्लिप में, तो रात को मैं ये ना उसके है बेड पे बेड की वॉर्म नीचे वॉर्म बेडशीट बिछा रखे ना, तो उसके चिपक गए वेलवेट पे ना, सब कुछ चिपकता है। तो गाइज हम जा रहे हैं अभी पापा का बर्थडे बनाने ऑफिस पे और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है, पापा हमको कहीं लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है। ठीक है, तो चलो ऑफिस से फोन आया, फटाफट आना भाभी 10 मिनट के अंदर वरना ये जितने भी बैठे सब चले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं यूं आई यूं, चलो गाइज हो जाएगा, नकली है।
कौन से अंकल? ये केक बंटवा दो, ये केक बंटवा दो यहाँ पे मधुबन पे। तीन तीन चार चार केक कहाँ देता, कहाँ पे? सालू ये ले जा वहाँ। गाइस तीन तीन चार चार केक थे हमारे। अब सफाई करो जितना फैलाया है। हैप्पी बर्थडे। डिब्बा दियो डिब्बा में। अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे मुंह पे लगा हुआ है केक। अब बताऊं किसने लगाया, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसने अभी घर पर आकर ही लगाया है, ठीक है। और वो फिलहाल के लिए कपड़े उतार के बैठा हुआ है इसलिए, क्योंकि वो चेंज कर रहा है नेक्स्ट ड्रेस अपनी, ठीक है। तो गाइस बर्थडे हो गया है डन ऑफिस वाला, अब
घर पर सेलिब्रेशन होगा या बाहर सेलिब्रेशन होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी अगर हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ मैं। सुन रहे हो ना, सुन रहे हैं नक्श? नक्श मुझे कुछ नहीं दिख रहा, दिखाइयो। बन रहे है ना मेरा व्लॉग? यस। हाँ, तब तक मैं इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। गाइज आवाज आ रही है ना आपको? ना मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा। गाइज ब्लैक कलर का इतनी बुरी शक्ल लग रही है केक की, इतने बत्तमीज है। इतना महंगा केक आता है, मेरे मुंह में बहुत दिया भट्ट पूरा केक मार रहा हूँ। हाँ, मैं लगा तो इनके लिए थी पर उल्टा हारी पड़ गया मुझ पे, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यही एंड। और कैसा लगा ऑफिस सेलिब्रेशन बता देना। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लोग आए हुए थे वहां पर गाइस। वो जो है ना वो कौन, बब्बल ताऊ, ताऊ ताऊ से एक्सपेक्टेशन ताऊ आएंगे क्योंकि तब हो गए थे गाइस उज्जैन महाकाल। और आज सुबह ही आए हैं पर अपने भाई का बर्थडे मनाने के लिए, नींद वींद छोड़ के रजाई वजाई फेंक कर बर्थडे मनाने आ गए हैं। तो सबका थैंक यू सो मच जो आए, जिन्होंने विश करा, आपके विशेज, आपके कमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच, ठीक है। और श्याम बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे बर्थडे बॉय पे और साल के दिन हो 50,000 और मेरा जन्म हो साथ साथ, ठीक है। तो चलो गाइज नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइज बाय। न्यू ईयर ईव एंजॉय करो, पार्टी करने वाले पार्टी मुंह दिख रहा है, पार्टी हार्ड करो, ऊपर है नीचे नहीं है, पार्टी हार्ड और बढ़िया करके पैक वैक मारना, जब तक नालियों में ना गिर जाओ ना तब तक घर मत आना, ठीक है। हम देखते हैं कहाँ गिरेंगे, हम भी बनाते हैं कुछ सीन। ऐसा तो हो नहीं सकता न्यू ईयर ईव और रितु पार्टी घर रहे, ऐसा नहीं हो सकता, कलेश हो जाएगा। क्यों चल रहे हो, नहीं चल रहे कहीं? क्या गाइस कपड़े उतार रखे, मैं सॉरी नहीं दिखा सकती, नहीं मैंने उतार नहीं रखा रजाई में गाइस मुझे तो ठंड लग रही है, मुंह तो दिखा दे मेरा। मैं आपके आगे कुछ नहीं बोल सकती, फिर बोलेगा मेरी बेइज्जती करती रहती है। मैं अभी ठंड पंड सब उतारती इसकी और इसको मनाते हो, ठीक है गाइस।